हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल के जो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, वो गजल में कहरवा का जो ठेका था, उस ठेके को मैंने एक्सप्लेन किया था, और मैंने उसका दुगुन और तिहाई एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आज मैं सीधे आपको वो ठेका बजाकर और फिर दुगुन और उसके तिहाई में बताऊंगा। तो दुगुन और तिहाई पर ये वीडियो पर पूरा फोकस रहेगा। तो दुगुन देखिए कैसी बजे, पहले मैं ठेका बजाता हूँ, तभी आपको दुगुन भी समझ में आएगा ना। और पिछला वीडियो भी देखते रहिएगा जरूर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू तो धा धा घेना थे, और ये तिहाई थी, है ना। तो दुगुन मैंने ठेका जो एक्सप्लेन कर दिया, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और यहां से हम दुगुन देखते हैं। जैसे ही ठेका खत्म होगा, आपको फिर दुगुन में कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। जैसे ही दुगुन का चांस आएगा वहां पर धा धिन ना धिन ना, बहुत ही सिंपल, धा धिन ना, है ना। धा धिन ना ये हो गया, है ना। फिर से देखिए, धा धिन ना धिन धिन ना, धा धिन ना धिन धिन ना, ये बजाना है आपको। तो कैसे, धा बजाए, फिर धिन, फिर ना, फिर धिन ना, आधा पार्ट हुआ ये, है ना। अब उसके बाद दूसरा पार्ट देखिए, धा फिर धा बजाइए, धा धिन ना धिन धिन ना, धा तिन तक तक, सिर्फ इतना ही, है ना। फिर से देखिए, धा धिन ना धिन धिन ना, धा तिन तक तक तिर किट, धा तिन तक तक तिर किट, ये दुगुन का पोर्शन हमारा तैयार हो गया। फिर से देखिए, धा बजाइए, फिर धिन बजाइए, फिर ना बजाइए, फिर धिन धिन ना, धा धिन ना धिन धिन ना, फिर उसके धा तीन तक तक, धा तीन, फिर तक तक दो बार, इतना ही है, ये दुगुन का पोर्शन है ना। और फिर उसके बाद तिहाई, धा धा तथा, ये भी कर सकते हैं आप। तिहाई देखिए, धा धा तथा, देखिए तथा, हल्के हाथों से। तो ये तीन बार हो जाएगा, धा धा तथा, तो ये आपका गजल में कहरवे की दुगुन और पूरा एक फ्रेम आपका तैयार हो जाएगा। जहां कहीं भी अगर सिंपल कहरवे की अगर गजल में आपको तबला बजाना हो, तो आप इस तरह से बजा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।